हेलो दोस्तों, तो आज हम पहुँचे हैं उज्जैन बाबा महाकालेश्वर जी की नगरी में, और यहाँ पे हम मिलने वाले हैं यहाँ के एसपी आईपीएस सचिन शर्मा सर से, जो कि 2014 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। तो चलिए मिलते हैं सर से। सर, आपका एस्पिरेंट से आईपीएस ऑफिसर बनने तक का सफर कैसे रहा, और उसमें आपको जो चढ़ा उतारा है उस पर आपने कैसे काम किया? एस्पिरेंट से लेके जो खासकर सिलेक्शन तक का सफर था वो बहुत ही एंटरटेनिंग था, या बहुत ही चैलेंजिंग भी था। एंटरटेनिंग इसलिए था कि जब मैं ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ाई कर रहा था तो मेरा इनिशियल प्लान यही था कि मैं एलएम करूंगा, स्पेशलाइज करूंगा। उसी के लिए मैंने इनरोल किया, खासकर लॉ में जाके। लॉ में पढ़ाई के दौरान वहाँ पे जो बच्चे थे जो मेरे साथ लाइब्रेरी में बैठा करते थे वो बुक्स वगैरह पढ़ा करते थे, खासकर जियोग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री की, तो वो बेसिकली यूपीएससी एस्पिरेंट्स हुआ करते थे। क्योंकि हमारा एक सोशल ग्रुप था और उस सोशल ग्रुप में लगातार जो बातचीत है, आइडिया एक्सचेंजेस हैं, वो होते रहते हैं, तो उनसे इंटरेक्शन के कारण मैं इस तैयारी से जुड़ा, और फिर करते 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 इस एग्जाम को मैं क्लियर कर पाया। तो सर, इसमें अपने ऑप्शनल क्या रखा था, एंड ऑप्शनल चूज करने के लिए मतलब क्या सोचा था कि यही वाला क्यों रखना है? मैं लॉ ग्रेजुएट था, इसीलिए मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो भी लॉ ही था, और काफी इंटरेस्टिंग भी है लॉ। और मुझे लगता है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो समाज की है, सोसाइटी की है, रूल्स की है, बहुत अच्छे से आपको कन्वीनियंट रहता है कि अगर आपको इसकी जानकारी रहे। जी, तो सर जैसे कि आपका सिलेक्शन हुआ, आपको आईपीएस सर्विस मिला, तो उसके बाद आपका फर्स्ट मोमेंट क्या था, क्योंकि आपने आपका सपना पूरा होते हुए दिख रहा था? जी, 12 जून 2014 डेट थी, और सभी को ही एक्सपेक्टेड था कि रिजल्ट आएगा, और सुबह से ही काफी जो एक डर होता है, इनसिक्योरिटी होती है, ये लगता है कि वापस से कहीं ऐसा ना हो कि फिर से फ्रेश स्टार्ट करना पड़े, क्योंकि कुछ ही दिन के अंदर वापस से प्रीलिम्स वगैरह भी होता है, जैसे आपका इंटरव्यू रिजल्ट आता है। उस दिन दोपहर के आसपास हल्की फुल्की बारिश भी हुई थी, तो स्टूडेंट के तौर पे कई बार ये होता है कि बारिश में जाके बैठ भी गए थे, तो जो पानी ऊपर गिर रहा था उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लगभग 2 या 3 बजे के आसपास रिजल्ट आया था। उसमें भी फिर हुआ ये था कि मेरे बैच में मेरे नाम के ही 2 लोग थे, तो जैसे ही मैंने सर्च किया, एंटर किया, तो एक नाम आया, और उसमें जो रोल नंबर था वो मेरा रोल नंबर नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये डर बहुत ज्यादा बैठ गया कि ऐसा तो नहीं है कि मेरा जो रोल नंबर है वो कहीं लिस्ट में ही ना हो। तो पीडीएफ सर्च जब हम करते हैं, वापस से जब मैंने सेम नाम पे सर्च किया, तो मेरे जो बैचमेट हैं वो 148 रैंक पे थे और मैं 166 पे था। अच्छा। तो वो मोमेंट फाइनली ऐसा था जो बहुत ही ज्यादा इमोशनल था, क्योंकि सालों की मेहनत, सालों की तपस्या उस एक स्क्रीन पे रिजल्ट के तौर पर निकल के आई थी। राइट। तो सर, जब ट्रेनिंग होती है आपकी, तो ट्रेनिंग में काफी सारी चीजें बताई जाती है, तो आपका ट्रेनिंग का अनुभव कैसे था, वहां के कुछ अनुभव या फिर कुछ यादें? ट्रेनिंग में मुझे लगता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग चीजें रहती हैं। कुछ लोगों के लिए फिजिकल एक्टिविटीज जो होती हैं बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होती हैं, और कई लोगों के लिए खासकर उसके बाद जो इंडोर एग्जाम्स या फिर जो शेड्यूल रहता है वो काफी डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि बचपन से ही एक सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ जी है, तो उसके कारण मुझे जो खासकर ट्रेनिंग की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लगती है, जो मुझे याद आता है, मेरे वो सबसे अच्छे दोस्त हैं, 3 थे खासकर, जो हमारे बैच में भी थे, फिर स्क्वाड में भी थे, और हमारा सिर्फ ये था कि एक बार पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल खत्म हो जाए तो बढ़िया आपस में बैठ के कमरे में चाय पी जाए, और चाय पे कुछ ना कुछ रैंडम बातचीत होती थी। तो ट्रेनिंग कई लोगों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहता होगा, पर हमारे लिए ट्रेनिंग की जो सिर्फ और सिर्फ अच्छी याद है वो मेरे वो 3 अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, जो आपके प्लाटून में थे? वो बैच में थे कुछ। अच्छा, उसमें प्लाटून में थे और कुछ अगल बगल में थे। जी, तो सर जैसे कि आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, तो ट्रेनिंग में एक हॉर्स राइडिंग वाला भी कंसेप्ट होता है, जो कि काफी कम जगह पे यूज होता है, और उज्जैन में भी हॉर्स पेट्रोलिंग किया जाता है। तो एक्चुअली जो ट्रेनिंग के टाइम पे वहां पे बताया जाता है, तो उसका यहाँ पे कैसे फायदा होता है? हॉर्स राइडिंग या फिर इसको जो माउंटेड प्लाटून होता है, उसको ट्रेडिशनली कन्वेंशनली इस्तेमाल किया जाता है क्राउड कंट्रोल के लिए। क्राउड कंट्रोल का आइडिया यही होता है कि जब आप एक हाइट पर रहते हैं तो भीड़ को आप बहुत अच्छे से देख पाते हैं, समझ पाते हैं,
और इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका जो हॉर्स है या जो घोड़ा है उसका आपस में आपका और उससे क्या कनेक्शन है, कितना आपको उस पर भरोसा है, कितना उसको आप पे भरोसा है। तो जब भी मुझे लगता है कई ऐसी चीज़ें हैं कि हम ह्यूमंस के साथ तो बहुत ईजिली डील कर लेते हैं और वो ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं क्योंकि क्या सोच रहे हैं, क्या मन में है, वो ज़्यादा प्रिडिक्ट कर पाना डिफिकल्ट है। पर जो हॉर्सेज हैं मैंने कई बार देखा है लोग उनसे डरते हैं, असहज महसूस करते हैं, थोड़ा बहुत चैलेंजिंग है भी, पर मुझे ये इसीलिए अच्छा लगता है कि एक इमोशनल कनेक्ट होता है जिस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करते हैं, और हमेशा ही एक कंसर्न भी रहता है कि जिस तरीके से वो उनको रखा जाता है, जो वो खाना खाते हैं, क्योंकि वो अपनी जो समस्याएं हैं वो बता नहीं पाते हैं। तो हमारा भी प्रयास यही रहना चाहिए कि जो उनसे काम लिया जा रहा है उससे परे जाके वो क्या महसूस कर रहे हैं और क्या वो कंफर्टेबल हैं या नहीं है जहाँ पे वो रह रहे हैं, उस पर भी एक विशेष ध्यान सभी को देना चाहिए। न्यू स्टूडेंट होते हैं कि जिन्होंने जस्ट अभी तैयारी शुरू करने का सोचा है या अभी जस्ट शुरू किया है, तो उनको शुरुआती दौर में काफी दिक्कतें आती है, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि आपको क्या दिक्कतें आ रही थी एंड उस पर आपने कैसे काम किया? जैसे न्यूज़पेपर वाला एक्सपीरियंस के लेके जो खास चुनौती होती है वो मुझे लगता है एक तो फोकस और सेल्फ डिसिप्लिन। फोकस इसलिए कि कई बार होगा ये आपके साथ कि कई ऐसी चीजें हैं कि आप कहीं पे शिफ्ट हुए तो आपको पानी सूट नहीं किया, आपका डाइजेशन आपका गड़बड़ा जाएगा, आपका सरदर्द हो जाएगा, खाना आपको वहां पे जहां दिल्ली में करोलबाग में रहेंगे वहां अच्छा नहीं मिलेगा, काफी ऑयली रहेगा, उससे आपको अलग अलग समस्याएं होंगी, तो आपका जो फोकस है पढ़ाई पे वो नहीं रह पाएगा। कई बार आपके जो दोस्त होंगे, फ्रेंड सर्कल होंगे, वो ऐसे होंगे जो अच्छे स्तर से आते होंगे, जिनको बहुत ज़्यादा एक फायर या जो एनर्जी है, जो रिक्वायरमेंट है यूपीएससी की तैयारी में, वो उनके अंदर नहीं होगी। तो मेरा आप सभी को सजेशन यही रहेगा कि दोस्त आप जो बनाएं वो बने पहले तो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हों, बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल हों, खासकर अपने एफर्ट में, मतलब एक्सेप्शनल मैं मेरिट की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई या नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्शनल वो सिर्फ और सिर्फ अपने एफर्ट में हों कि वो जिसे तपस्या या जो साधना कहते हैं वो पूर्णतः जो है पढ़ाई को वो अपना समय और ऊर्जा दोनों दे सकें। इसके बाद जो अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं फोकस के बाद, जैसे मैंने बोला, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं कि आपको कोई ना कहे कि आपको किस समय उठना है, लाइफ में अगर आपको ये देखना है, समझना है कि आपका दिन सही हुआ या नहीं हुआ, सक्सेसफुल था या नहीं था, तो आपको रात को जो अलार्म लगाते हैं, जो अगर सुबह 5 बजे बजता है और अगर आप उससे पहले उठ जाते हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल सही रूट पे चल रही है। पर वहीं अगर आपने अपने मोबाइल में 4 अलार्म लगाए हैं, 6 अलार्म लगाए हैं और 5:10 पे आप बोलते हैं कि 5 मिनट और सोता हूँ, फिर 6 बजता है, फिर बोलते हैं 5 मिनट और सोता हूँ, फिर बोलते हैं आप 5 मिनट और सोता हूँ, तो उससे होता क्या है कि जब आप 7-7:30 बजे उठते हैं सबसे पहले आप अपने आप को कोसते हैं। अपने आप को आप क्या कोसते हैं कि जब तू अपना ही बताए हुए समय पर उठ नहीं सकता तो जीवन में करेगा क्या? तो इसलिए नहीं कि आपके पेरेंट्स देख रहे हैं, आपके दोस्त देख रहे हैं, कोई और देख रहा है, आपने अपने लिए जो तय किया है। अभी मैं यूपीएससी तैयारी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जो समय आप सो रहे हैं और जो समय आप उठ रहे हैं आप सिर्फ उसको रेगुलेट करिए। अलार्म कभी भी आप लाइफ में दो मत लगाइए। तो मुझे लगता है धीरे धीरे करके आप ये छोटी छोटी बैटल्स जब आप जीतेंगे खासकर अपने आप से, तो बाकी सारी बैटल्स बहुत छोटी हो जाएंगी। जी, तो सर इसमें जैसे कि आपने बताया, तो ये सब चीजें होने के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे ये आदत धीरे धीरे सुधरती जाएगी? मैं वापस से थोड़ा सा रिपीटिव हो जाएगा कि जब लोग आप जब आप खुद से वो चीज करने लग जाएं जो आपके लिए हितकारी है या आपके लिए एडवांटेजेस है, जिसको हम सिंपली अगर कहा जाए तो सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं, कि आपको कितना पढ़ना है, कितना आपको वर्कआउट करना है, कितना आपको वॉक करना है, कितना आपको मोबाइल को टाइम देना है, कितना आपको बाकी जगह पे ध्यान देना है, अगर सिर्फ इसको आप रेगुलेट कर लें कि आपके जो एक्शंस हैं पूरे दिन भर के, ये क्या आप अपने एफर्ट से सेटिस्फाइड हैं, कि जब आपका दिन खत्म हो, खासकर रात को जब आप सोने जाएं और आपको पीछे पलट के लगे कि मैंने आज का दिन खराब नहीं किया। खराब नहीं किया का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पूरे साल भर तक सिर्फ किताब लेके बैठे रहें। अगर अच्छे दोस्त आपके आए, आप उनके साथ जाइए, घूमिए, सब कुछ करिए। जो ब्रेक होता है, फ्रेश शाउटिंग्स होती हैं, वो भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, पर उसको भी आप उसी हिसाब से फैक्टर इन करिएगा कि अच्छे लोगों के साथ बैठिए, अच्छे लोगों के साथ घूमिए, अच्छा खाइए, और
खासकर जब तक आप प्रिपरेशन फेज में हैं, तो अपना जो आत्मनिशासन है उसको हमेशा इंटैक्ट रखिएगा। तो सर जैसे कि सुनने में आया है और आपने खुद भी बताया था कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे दिल्ली में थे, तो आप कई बार यहाँ पे उज्जैन में दर्शन करने के लिए आते थे, और उस टाइम पे आप यात्री के तौर पे आते थे, और आज आप खुद यहाँ पे एसपी के पोस्ट पे यहाँ पे हैं, तो फिर दोनों में आपको क्या बदलाव नजर आता है कि मतलब डिफरेंस बहुत ही ज्यादा मैसिव है एस्पिरेंट के तौर पे या फिर स्टूडेंट के तौर पे। निजामुद्दीन दिल्ली से खासकर एक ट्रेन चलती है लगभग रात को 10 से 11 बजे, जो यहाँ सुबह 6 या 7 उतारती है। तो उस टाइम पे एडवांस में हम लोग बुकिंग नहीं कराते थे। मैं नॉर्मली जितनी बार भी मैं उज्जैन आया हमेशा अकेला ही आया, क्योंकि जो मेरे सारे फ्रेंड्स थे उसमें से कोई एमपी का था नहीं, और प्रेफर भी अगर करते थे राजस्थान, हिमाचल, देहरादून, यहाँ सब जाना करते थे। तो ये जो ट्रेन थी इसमें मैं बैठता था, जनरल का टिकट लेता था बिकॉज बाकी सबके लिए आपको रिजर्वेशन चाहिए होता है। ओवरनाइट 8-9 घंटे में वो ट्रेन पहुंचती थी, उसके बाद आप धीरे धीरे करके वहां से आप पैदल चलते थे। जस्ट 1.5-2 किलोमीटर बाद जो प्रमुख सड़क है खासकर दौलतगंज वाली, जिसमें अब बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, वहां से हम लोग जाते थे, मंदिर पहुंचते थे, सामान्य जो दर्शनार्थी की लाइन होती थी वहां से लगते थे, और धीरे 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 करके वहां से कर लेते थे। वही ट्रेन जो है शाम को लगभग 5 या 6 बजे वापस जाती थी, तो मंदिर दर्शन से लगभग हम 9 बजे के आसपास फ्री हो जाते थे। तो बाकी यहाँ पे और भी जो आसपास के धार्मिक स्थल हैं, खासकर संदीपनी आश्रम है, काल भैरव है, ये सब जो भी आसपास के धार्मिक स्थल हैं, यहाँ पे क्योंकि समय ज्यादा था, लगभग 9 से 6 या 9 से 5 का जो भी था, तो उसमें 8 घंटे थे आपके पास, तो 4-5 घंटे पैदल चलते 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 एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, और 1 घंटा पहले जब ट्रेन वो बनती थी चलती थी उससे पहले हम लोग स्टेशन पहुंच जाते थे और ट्रेन का वेट करते थे, फिर बोर्ड करके वापस दिल्ली चले जाते थे। तो 24 घंटे के अंदर देखा जाए तो जैसा मैंने आपसे बोला, अकेले में चलता था, रास्ते में आपके पास चीजें सोचने का ही बहुत समय रहता है। तो मुझे ये लगता है इस देश में अगर कोई बेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल है खासकर स्टूडेंट्स के लिए, तो वो ट्रेन है, क्योंकि ट्रेन आपको एक तो आइसोलेट कर देता है पूरे जो भी आपके रैंडम थॉट्स हैं जो रूटीन में चलते हैं, और या तो आप इंटरेक्ट करेंगे जो आपके आसपास के लोग हैं, आपको अलग नया एक्सपोजर देंगे, या फिर आपको वो खाली टाइम देंगे जिसमें आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं और क्या आप करना चाहते हैं उसको आप उस एक जो ट्रेन सफर है उसमें आप फिगर आउट कर पाएंगे। तो सर जैसे कि आपने ये बताया, तो उससे मुझे एक क्वेश्चन फिर से याद आ गया कि एक सोलो ट्रिप वाला कंसेप्ट होता है कि जिसमें आप खुद को टाइम देते हो, खुद कहीं पे ट्रैवल के लिए जाते हो, तो वो कितना जरूरी होता है, उससे क्या फायदा होता है एक नॉर्मली देखा जाए तो? मैंने सोलो ट्रिप्स लगभग देश में बहुत जगह पे की हैं, तो सोलो ट्रिप का जो मुझे एडवांटेज समझ में आता है कि जब आप वो सफर शुरू करते हैं, जब सफर खत्म करके आते हैं, तो आप एक अलग इंसान बन चुके होते हैं। अलग इंसान इस तरह बन चुके होते हैं कि एक आपको खुद एक सेटिस्फैक्शन होता है, इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट, कि आपके जो विचार हैं वो स्वतंत्र हैं, और खासकर जब आप चलते हैं जिस जगह आप जा रहे होते हैं उसके बारे में, या फिर बाकी जो भी आपके जीवन में उथल पुथल चल रही होती है, तो मन आपका ऐसा शांत होता है कि, या फिर जो आप रिजॉइस करते हैं उस मोमेंट को, खासकर आने और जाने को, उस दर्शन के अलावा भी, कि मुझे ये लगता है कि खासकर इंडिविजुअल सोलो ट्रैवल इस चीज़ में बहुत आपको बेनिफिट करेंगे कि आप स्वाध्याय या फिर अपने आप को जो समझना चाहते हैं उसकी जर्नी पे आप निकल पड़े। मैं तो ये भी मानता हूँ कि जितना ज़्यादा आप पैदल चल सकते हैं अक्रॉस दी कंट्री, वो भी कई बार आपको बहुत फ़ायदा दे सकती है, क्योंकि हर जगह का कल्चर अलग है। जैसे मैंने महाराष्ट्र घूमा, बाकी सारी जगह जो पैदल वैदल घूमी, वहाँ का जो लोकल इंटरेक्शन था कई बार कहीं ना कहीं आपको देश को बेहतर समझने में बहुत मदद करता है। जी तो सर जैसे कि आपका छत्रपुर में भी कार्यकाल रहा है और उज्जैन में भी रहा है, बट उज्जैन एक धार्मिक स्थल है, तो दोनों जगह के पुलिसिंग में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि यहाँ पे कई सारे ऐसे त्योहार होते हैं, कई सारी जगह होती है कि जिसकी वजह से क्राउड ज्यादा आ जाता है, जैसे 1 तारीख को नया साल था तो यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ थी, तो ऐसे टाइम में फिर आपको यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं, स्टेप्स लेने पड़ते हैं? मुझे लगता है कि जो पुलिसिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमेशा यूनिफॉर्म ही रहते हैं, और उज्जैन और छतरपुर के अलावा देश के जितने भी विभिन्न जिले हैं सबकी अपनी अलग अलग तासीर है।
खासकर जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए अलग चुनौती रहती है। वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो समुद्र किनारे रहते हैं वहाँ पे खासकर जब साइक्लोन आता है तो वहाँ पे अलग चुनौती रहती है। हमारे उज्जैन में खासकर जो महाकाल मंदिर है, इसके अलावा आसपास जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ से लोगों की आस्था बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई है। मुझे लगता है जितने वर्षों से सिंहस्थ अब तक होता चला आ रहा होगा, हाँ और सिंहस्थ की परंपरा में प्रमुख तौर पे ये है कि सिंहस्थ का कभी बुलावा किसी को नहीं भेजा जाता है। तो हमारे देश में जो प्रमुख तौर पे चार जगह सिंहस्थ होता है वहां कभी किसी का बुलावा नहीं जाता है, पर पुरातन काल से लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं इन चार शहरों में, खासकर जब सिंहस्थ होता है बिना किसी मोड ऑफ कम्युनिकेशन के, प्रिंट मीडिया भी लगभग 200 साल पहले ही आया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कुछ ही समय पहले आया है, सोशल मीडिया भी जस्ट अभी अभी आया है, पर इन सबसे पहले से वो हमारी परंपराएं हैं जो हमेशा से अनादि काल से चली आ रही हैं। तो जब दर्शनार्थी खासकर यहाँ पे आते हैं तो ये पता रहता है कि उनके उनको सहजता, सुगमता, सरलता से दर्शन कैसे हो, इसके लिए समय समय पे पूर्व के जो अनुभव रहे हैं उसके हिसाब से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, पार्किंग को लेके हो, दर्शन व्यवस्था को लेके हो। तो मेन चैलेंज यही रहता है कि इसमें जो डिप्लॉयमेंट है, एनर्जी है, अगर आप इस तरीके से कहेंगे कि वापस मुझको लगा दिया है तो आप शायद थोड़ा सा परेशान हो, पर यदि आप इस चीज को देखेंगे कि लोग जब देश के अलग अलग कोने से यहाँ पे आ रहे हैं और आप स्वयं यहाँ पर हैं तो आप ज्यादा सौभाग्यशाली हैं, आप ज्यादा लकी हैं कि यहाँ से अगर आप प्रयास करेंगे। मुझे ये पर्सनली कुछ लिटरेचर्स हैं उज्जैन में मैं जिनके अक्रॉस आया हूँ कि उज्जैन को इस जो आपका भूगोल है उसका सेंटर या ग्लोब भी माना जाता है और काल गणना भी यहीं से होती है। पर इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है कि जो लोग खासकर संत हैं, जो नहीं भी हैं, अगर साधना वो करना चाहते हैं वाकई में, वो समझना चाहते हैं कि क्या है कैसे है, और जो हमारा एक बेसिक बेसिक नीड्स होती हैं उससे परे जाके जब वो चीजों को देखना समझना चाहते हैं तो साधना का मार्ग इस शहर में बहुत आसान है। इसलिए ही नहीं कि यहाँ पे मंदिर है, इसलिए भी कि यहाँ पे एक ऊर्जा है जिसको अपने बेहतरी के लिए लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी सर, ये काफी अच्छी बात बताई आपने। तो सर, जैसे कि आपका एक वीडियो भी आया था फिटनेस को लेकर, कि जिसमें आप कमर पर टायर बांधकर भी दौड़ लगा रहे थे, दैनिक ट्रेकिंग वाला भी वीडियो आया था, और काफी सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें आपको आप कंटिन्यू काम करते हुए दिख रहे हैं, बट फिर भी आपका एनर्जेटिक लेवल दिख रहा है उसमें। तो फिटनेस को लेकर आपका क्या ये है कि फिटनेस का क्या बेनिफिट होता है और उससे कैसे फायदा होता है डेली रूटीन में? फिजिकल फिटनेस जो है वो एक एज पे या फिर जिस भी एज में आप हैं जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप कितना कर पा रहे हैं मैं ये आपको नहीं कह पाऊंगा कि आपको ये करना है वो करना है, पर बेयर मिनिमम जो सिंपल वॉकिंग है वो करनी ही चाहिए, क्योंकि जो फिजिकल एक्टिविटी है वो सिर्फ फिटनेस से परे जाके आपका जो वेलबींग है उसको डिफाइन करती है कि आप कितनी सही से आप चल पा रहे हैं। और लाइफ या जीवन बहुत लंबा है, धीरे धीरे करके आपके जो कंधे होते हैं वो कमजोर होते हैं, आगे की तरफ झुकते हैं, आपकी जो स्पाइन है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो वीक होती है, पैरों में घुटनों में मुद्दे आते हैं। तो अभी का जो ईश्वर ने आपको जो शरीर दिया है, जो जीवन दिया है, वो तो अच्छे से कट जाएगा, पर कुछ समय के बाद धीरे 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 करके जब उम्र आपकी बढ़ती चली जाएगी और तब जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे कि काश अगर मैंने ध्यान दे लिया होता, और इसलिए नहीं कि हमें सिर्फ जिम ही करना है, इसलिए नहीं कि हमें सिर्फ क्रिकेट ही खेलना है, स्पोर्ट्स ही खेलना है, इस सब के परे जाके जो बेसिक सिंपल चीजें हैं कि सिंपल वॉकिंग हो गया, सिंपल योगा हो गया, आप सिर्फ इसलिए करिए कि जो आने वाला समय है जब दर्द ज्यादा होता है, पीड़ा ज्यादा होती है, या जिसे हम कहते हैं कि हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो आपका बहुत आसानी से कटे। आपको बहुत बेसिक सी चीज समझनी होगी, जो लोग नॉन एल्कोहलिक होते हैं, एक्सरसाइज करने वाले होते हैं, अगर आप उनको 65-70 के अराउंड देखोगे बिल्कुल फ्रेश दिखेंगे, चलते हुए दिखेंगे, एक्टिव दिखेंगे। वहीं पे ऐसे लोग दिखेंगे जो इनडिसिप्लिन थे अपनी फूड हैबिट्स को लेके, स्लीपिंग हैबिट्स को लेके, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं और खुद ही के लिए फिर वो रिग्रेट करते हैं कि ये निर्णय उनको पहले लेना चाहिए था। जी, कि जैसे कि एक ऑफिसर होने के नाते आपको काफी सोच समझकर डिसीजन लेना होता है, बट हमें राइट डिसीजन लेना होता है, तो उसमें
आप कैसे उस सिचुएशन का हैंडल करते हैं? सही निर्णय लिया गया था या निर्णय सही हो गया, दोनों में बहुत अंतर होता है। और मुझे लगता है कि हमारा हमारे लिए सही निर्णय के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा जो अध्ययन है या हमारी जो नॉलेज है उसके लिए पर्याप्त होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप ने कोई भी कोर्स या फिर कोई तैयारी स्टार्ट की और जो बेसिक उसके बारे में जानकारी है वो आपके पास नहीं है तो आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने बेसिक लॉ किया है और उसमें स्पेशलाइज मैंने लेबर लॉ में किया है, पर एग्जाम अगर मैं जाके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का दूंगा बिना पढ़े तो कहीं ना कहीं वो जो चैलेंज है वो आएगा। जी तो सर आपका यूपीएससी का इंटरव्यू कैसा था एंड उसमें मतलब किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो डैप का बताया जाता है तो उस बारे में थोड़ा सा? यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है मेनली हम जो मेंस के टाइम में एक फॉर्म भरते हैं जिसको हम डैप है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं उसको लेके होता है। आपके बारे में जो जो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस रही हैं, आपकी जो हॉबीज रही हैं, इसके अलावा बाकी भी आप कहाँ पे आपका जन्म हुआ, इसके संबंध में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो रहती हैं। इन्हीं टॉपिक्स में से धीरे धीरे करके कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है और वहाँ से वो होता है। डेफ को लेके ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप की जो हॉबीज हैं, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं और जहाँ से आप आते हैं उसको लेके एक बहुत थॉरो अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। इंटरव्यू के लिए एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो करंट अफेयर्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट ना करते हो उसको एक रूटीन बनाते हुए आप लोग ट्राई करिए, प्रयास करिए कि नेचुरली आप उस चीज़ को करें। सिर्फ यूपीएससी एग्ज़ाम देने तक या उसके जब तक वो कर रहे हैं नहीं कर रहे नहीं, इसे एक लाइफ का पार्ट बना लीजिए। अगर आप उस साल एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं तो भी आप जरूर न्यूज़पेपर्स थॉरली पढ़िए, एंड टू एंड पढ़िए। सर आप बुक भी पढ़ते होंगे तो आपको आज तक मतलब सबसे ज्यादा बुक कौन सी पसंद आई और उसमें से क्या मतलब बताने लायक कोई किस्सा? इनिशियली स्टूडेंट डेज में एपीजे अब्दुल कलाम जो थे मुझे लगता है सभी के लिए रोल मॉडल और इंस्पायरिंग भी थे। yes. उनकी जो जर्नी थी खासकर रामेश्वरम से लेके जो राष्ट्रपति भवन तक की थी वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग थी। और इसके अलावा वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा जितनी भी बुक्स लिखी गई वो जिन चीज़ों पे फोकस करते थे वो यही था कि हार्डवर्क और जो डिसिप्लिन है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप आर्थिक तौर पर संपन्न हैं या नहीं है, आपके गाँव में बिजली है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट करती है, वो आपका एफर्ट है, आपका डिसिप्लिन है और जो चीज आप चाहते हैं उसके लिए आप क्या समर्पण या क्या आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो जब तक साधना नहीं होगी, समर्पण नहीं होगा, तब तक आप एक बेहतर इंसान नहीं बन सकते। जी तो सर अब यही यहाँ तक ही पूछना था, एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं कि जैसे पुलिस लाइफ में थोड़ा सा 24/7 वाला जॉब बोला जाता है, बट मतलब आपको कभी भी जॉब पे आना पड़ सकता है तो फैमिली टाइम और आपका जो पर्सनल लाइफ होता है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, तो दोनों को आप किस तरह से मैनेज करते हैं? मुझे ये लगता है कि पुलिसिंग जो है बहुत चैलेंजिंग जॉब है सभी रैंक ऑफ ऑफिसर्स के लिए। मैं सिर्फ ये बोलूँ कि मैं SP हूँ मेरे लिए बहुत टफ है ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारे कॉन्स्टेबल्स हैं, हेड कॉन्स्टेबल्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, उनका भी कोई परमानेंट जो ड्यूटी मैंडेट है या जो ड्यूटी आज है वो नहीं रहते हैं, इरेगुलर भी रहता है। उसके कारण होता क्या है कि जो बहुत बेसिक लोग आइडियाज देते हैं कि आप समय पर सोइए, समय पर उठिए, सारी चीज़ें ऐसे ऐसे करिए तो आप ठीक रहेंगे, तो वहीं पे एक पुलिस ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे सोने का कोई समय नहीं है, जगने का कोई समय नहीं है, ड्यूटी पर आने का कोई समय नहीं है, तो वो एक थोड़ा सा चैलेंज है जो खासकर पुलिस के सामने आता है। पर तो भी मुझे लगता है कि अगर बहुत ही कमिटेड वे में थोड़ा सा आप हेल्थ कॉन्शियस रहें, आप जैसा मैंने इनिशियली बोला वॉक आप करें, वॉक अगर कर सकते हैं तो लगभग 10-15,000 स्टेप्स आप डेली करें, खाना आपको क्या खाना है नहीं खाना है उसको अगर आप सिर्फ देखें, आप वॉच करें, तो पुलिसिंग जो है ईजी हो सकती है।
इशू फैमिली के साथ जो या पर्सनल और प्रोफेशनल के लिए बीच में बैलेंस करने का है, तो मुझे लगता है कि जो हमारी फैमिलीज हैं वो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करती हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट जो फेस्टिवल्स हैं, फंक्शंस हैं, कहीं ना कहीं जो परिवार के जो सदस्य हैं वो उससे एडजस्ट कर जाते हैं कि वो नहीं आएंगे। तो दिवाली है, होली है, वो घर पे नहीं बनती है। तो मुझे लगता है कि एडजस्ट जो है पुलिस ऑफिसर्स नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो अपने काम पे होते हैं, आसपास लोग होते हैं, कुछ ना कुछ करके उनका निकल जाते हैं। एडजस्ट बेसिकली फैमिली करती है जो वहाँ पे अकेली होती है। त्योहार बिना जो मेन मेंबर ऑफ फैमिलीज होते हैं उनके बिना बनते। मान लीजिए तीन ही लोग हैं फैमिली में, तो बेटा बच्चा अपना जो भी त्योहार है वो मोहल्ले में या फिर जैसे भी है वो मना लेंगे दोस्तों के साथ, और कभी वो इस चीज की शिकायत नहीं करते हैं कि आप होली पे थे या नहीं थे। मैंने आज तक जितना भी मेरा अभी तक नौकरी का अनुभव रहा है तो ये जरूर है कि शादियों में लोग छुट्टी एक्सपेक्ट करते हैं, खासकर जब परिवारों में रहती है, पर त्योहारों पे छुट्टी के लिए ना तो मैंने कभी किसी पुलिस अधिकारी कर्मचारी को बोलते हुए देखा है, ना ही कभी किसी परिवार ने उम्मीद की है कि अपनी ड्यूटी छोड़ के ये लोग त्योहार हमारे साथ मनाएंगे। जो यूथ है जो यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और यूपीएससी हम सब लोग कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ तैयारी करते हैं, पर ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जर्नी है आपकी आपकी जो शॉर्टकमिंग्स हैं, आपकी जो वीकनेसेस हैं उनको ओवरकम करते हुए, स्ट्रेंथ्स को यूज़ करते हुए जो एक सिलेबस पूरा तैयार किया गया है कि हमें क्या चाहिए। ये सिलेबस इतना वाइड इसलिए है कि जब आप का सिलेक्शन हो जाता है, आप सर्विसेज में आ जाते हैं, तो जो भी चैलेंज आपको दिया जाए, जो भी चुनौती आपको दी जाए, उससे आप बैकआउट ना करें। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैं इकोनॉमिक्स में बहुत वीक हूँ पर वो यूपीएससी का सिलेबस है, अब मैं वहाँ पर ये नहीं कह सकता कि ये इकोनॉमिक्स मेरा वीक है इसलिए मैं इसको नहीं देखूँगा। तो जहाँ भी आपकी शॉर्टकमिंग है जिस भी चीज़ को लेके, उसको आप ओवरकम करिए। और शॉर्टकमिंग सिलेबस के अलावा आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनालिटी इश्यूज में भी अगर आपको कुछ लगता है तो उसको भी आप रिजॉल्व करिए। अगर आप अच्छे स्टूडेंट बन पाएंगे तभी आपके लिए बहुत इजी रहेगा इस एग्जाम को क्लियर करना। जी सर, थैंक यू सर, आपने आपका कीमती समय दिया। ओके।